शुरुआत एक गरम गरम कॉफी के साथ। संडे हो रहे थे, खड़ी भी करके जाएंगे, पानी की तरफ तो गिर जाएगा। पानी का समझ गाइस, यहाँ पे पब्लिक बहुत ज्यादा है और ये बता रहा है ये सब दिखा वो सब दिखा। ये सब मेरे ब्लॉग में छोटे छोटे बच्चे भी देखते हैं मेरे ब्लॉग, पता है। सच्ची में बहुत अच्छा काम मिला है सारे कपड़ों को एकदम अच्छे से रखने का, तो वो ही करते बैठ रहा हूँ मैं। तो अपना रोज जैसा खाना शुरू करते हैं। चलेगा अपना आइसक्रीम। अरे यार, एक चीज़ पहले मैंने मंगा लिया था, उसके बाद मेरी बहन को लगा मैं नहीं ला रहा हूँ, तो उसने आइसक्रीम भी मंगा लिया। भरोसा ही नहीं है मेरी। गाइस, अभी भी ना रात को ही ब्लॉग बना रहा हूँ मैं, पता नहीं आजकल ना रात को ही ब्लॉग बनाने मिलता है। अरे यार, ये किसने कर दिया, चले तो कोई बात नहीं। ये शायद मेरे चॉकलेट आइसक्रीम के वजह से हुआ है। क्या दिखाओ आप लोगों को, दिखा साफ करना पड़ेगा किसी, तो निकल रहा है तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। पता नहीं, शायद ये मेरे चॉकलेट आइसक्रीम का ही था। अब मैं टेस्ट करके थोड़ी बता सकता हूँ। आ रहा है भाई, आ रहा है, देख आ रहा है, आ रहा कर। ओए चल, इसके एक हाथ से नहीं करने का। बड़ी बात ये है, जिम जाके आया हूँ, अब बैठा हूँ, रात का टाइम है, पूरी पूरा दिन कुछ भी नहीं किया, इसके लिए सीधा रात को मिल रहा आप लोग को। पता नहीं, पर अब अचानक सोचा ना, सबसे बड़ी बात है बहुत जल्दी रिजल्ट आने वाला है और डर डे बाय डे बढ़ती जा रहा है। मतलब आज का 1 तारीख है, तो और मुझे ऐसा लगता है मेरा रिजल्ट बहुत बेकार जाने वाला है इस टाइम का। तो मैं आप लोग को रिजल्ट नहीं बताऊंगा, यह बताऊंगा नहीं बताया तो समझ लेना गाइस, और बताया तो समझ लेना पास हो गया, बस इतना बता रहा हूँ। बारिश का भी टाइम चालू होने वाला है, तो भाई यहाँ पे तो पानी फटाफट भर जाता है। तो अभी ना मेरे बिल्डिंग में भी ना बहुत ज़्यादा काम है ना, एकदम फास्ट फास्ट कर दिया है, तो मतलब जितना जल्दी हो सके उतना फास्ट कर दे, क्योंकि बारिश चालू हो गया है, मतलब हो रहा है अभी, धीरे धीरे होता है, कभी नहीं होता कभी होता है, पर अभी बारिश का टाइम आने ही वाला है। मतलब आएगा, समझ लो आज का 1 तारीख, मतलब 5-6 दिन बाद बारिश दिखने मिल जाएगा हम लोग को। तो बस गर्मी हो रहा है, गर्मी से मेरे लिए गुड मॉर्निंग है। अभी भी उठा हूँ मैं, 4 बजे उठा हूँ, मतलब मैं अभी दोपहर के 4 बजे। सिर बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों, जिम भी जाने का मन नहीं कर रहा पूरा, एकदम बॉडी एकदम आलस जैसा बोलते हैं ना, और एकदम सिर दर्द हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है जब हम लोग का सिर दर्द होता है, शायद है ना उसके वजह से हो गया। रात भर है ना, मतलब मैंने ना सॉन्ग सुनते हुए उसे सो गया था, और वो कान में रह गया था, नहीं तो कभी कभार ऐसा हो जाता है वो निकल जाता है। तो इस टाइम मैं निकला और बचते रहा, मतलब बाद में मैंने निकाला, मतलब मैं सो गया, फिर उसके वजह से शायद बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है। तो यही गलती वापस नहीं करूँगा, मैं बहुत ज़्यादा गलती करता हूँ, मैं ना एकदम क्या बोलूँ। अभी आप लोग को और जानना बाकी है मेरे बारे में, इसके लिए वीडियो के साथ रहो। शाम का टाइम हो, अब जा रहा हूँ इसके साथ ऐसे ही घूमने, क्योंकि कुछ भी नहीं है काम में, इस फ़ोन में मैं कब से सीरीज देखते बैठ रहा था, अपना अपना टाइम पास करते बैठ रहा था, और कुछ भी नहीं। अब देखते हैं, हम लोग थोड़ा बहुत चिल कर लेते हैं, राउंड मार लेते हैं। हाँ, यहाँ पे ट्रैफिक कब से होने लगती थे, यहाँ से आराम से हम लोग जाते थे, पता है। हाँ देख रहे हैं यहाँ पे कितना काम चालू हुआ है, पहले यार अब पूरा गंदा लग रहा है। हाँ पहले बहुत अच्छा था, ग्रीनरी था, बहुत कुछ था, पर अभी तो
सब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बिल्डिंग बन रही है, सब जगह पेड़ वेड़ काट के बिल्डिंग बन रही है। ये तो मूवी के लिए यूज होता है शायद ये जगह, इसके लिए एंट्री नहीं अपने को। इसके लिए आराम से यहाँ पे एक बार एक बंदा घुस गया था, याद है ना? ये हम लोग चला रहे बहुत टाइम से, आप पता है। पर भाई उससे बहुत गंदा सीन यार, फिर से बाहर खाना खाने के बाद सोचने के लिए निकल के जा रहा हूँ। बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे खाने के लिए। आजकल दो तीन दिन से मैं यहाँ पे पार्सल तो ले लिए बस, और कुछ नहीं। कैसे लेके जा रहा हूँ देखो, बच गया भाई। बस आराम आराम से चलो, और कुछ नहीं का टाइम, और बस वाला अपना नाश्ता बिस्ता हो गया, और एक कॉफ़ी मिल जाए मज़ा ही आ जाएगा। वाह, सुबह घर बैठा हुआ है, पर तभी भी हम लोग बैठे हैं, मतलब एकदम बोल सकते हैं एकदम मजे कर रहे हैं, सुकून से बैठे हैं, सीरीज देख रहे हैं, पर बीच बीच में सोच रहा हूँ, बीच बीच में डर लग रहा है। तो इस डर को पता नहीं 10-12 दिन बाद ये डर ख़त्म होता है या डर और बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ होगा आगे फिर। तो छोड़ो यार, ये सब का टेंशन नहीं लेते हैं, वीडियो को अपन करते हैं। वीडियो को जाके लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। तो वीडियो में मैंने ना इंट्रो नहीं दिया था, मैंने सीधा अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था, तो बस बता दे रहा हूँ। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय एंड टेक केयर।